गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन 2 एंड 3 ऑफ चैप्टर 2 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर क्लास 4th. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 2. हियर क्वेश्चन 2 इज फिलिंग द करेक्ट मिसिंग डिजिट फ्रॉम द गिवन बॉक्स. मींस यहां पर हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें जो बॉक्स है उसमें मिसिंग डिजिट फिल करनी है, और किसकी हेल्प से करनी है, इस बॉक्स की हेल्प से. तो यहाँ पर कितने नंबर्स गिवन है, 7, 3, 6, 8, यहाँ पे 4 नंबर्स गिवन है, तो यहाँ पे 4 ही बॉक्स है, 1, 2, 3, 4. अब यदि इस नंबर की बात करें तो यहाँ पे हमें प्लस करना है, सही है, हमने प्लस कर रखा है. जैसे 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, 2 + 5 कितना होता है, 7. अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखें जिसमें 2 प्लस करने पर 5 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे. जब हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, तो हमारा ये वाला नंबर फिल हो गया, क्लियर. अब देखिए 9 तो बड़ा नंबर है 6 से, तो 6 मतलब 16 होगा, है ना. अब यहाँ पर जो है हम प्लस करेंगे 7 को, सही. अगर हम 9 में 7 प्लस करें तो 16 आएगा, 16 में 6 तो यहाँ पर है, और कैरी हम 1 यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर. अब देखिए 1 + 7 कितना होगा, 8. 8 + 8 कितना होगा, 16. तो 16 का क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और कैरी 1 यहाँ पर, क्लियर. अब 1 + 7 कितना होगा, 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8. अब आप देखिए 3 हमने नोट कर लिया, अब देखिए 7 था ये भी हमने फिल हो गया, इसके बाद 6 था तो ये भी फिल हो गया, और उसके बाद जो 8 था ये भी हमने फिल कर दिया. अब यहाँ पे बी पार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या की जो ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस करना है, तब ये हमारा ये आंसर है. अब देखिए 8 में हम, अब यहाँ पे जो 8 है 8 में क्या माइनस करें कि 8 ही आ जाए, तो 8 में से यदि हम 0 माइनस करेंगे तो 8 ही आएगा, क्लियर. 7 में जब 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा. तो हमने आपसे दो नंबर तो ले लिए, तो 0 ले लिया, एक 5 ले लिया, क्लियर. अब देखिए यहाँ पे 5 है, अब ऐसा क्या नंबर ले जिसमें हम 5 माइनस करने पर 9 आ जाए, क्लियर. अब ये जो 9 है ये तो बड़ा नंबर है, तो जैसे 9 + 5 कितना होता है, 14. 14 का यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4. इसका मतलब हमने कैरी लिया, तो कैरी हमने यहाँ से लिया होगा, तो यहाँ पे जो 5 है इसकी जगह 4 बचेगा और ये हो जाएगा 14, क्लियर. तो यहाँ से हमने 4 भी ले लिया. अब यहाँ पे तो 4 है तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा और ये हो जाएगा 14. 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 ही आएगा. अब यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे कोई एक नंबर होगा जिसमें से हमने कैरी लिया होगा और कैरी लेके यहाँ पे 12 हो गया होगा. अब 12 में क्या माइनस करें कि 6 आ जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, क्लियर. अगर हम 12 में से 6 माइनस करें तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा. अब यहाँ पे कोई एक नंबर है ना, और यहाँ पे लिखा 8, तो यहाँ पे जरूर 9 नंबर होगा, क्योंकि हम 9 में से कैरी लेंगे तभी यहाँ पे 12 होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, क्लियर. तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा. तो इस तरह से हमने ये इन बॉक्स की हेल्प से ये जो मिसिंग डिजिट थी वो हमने फिल कर दी. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 88,756 एंड 10,345 फ्रॉम 5,23,400. मीन्स हमें क्या करना है, ये जो दो नंबर है, एक तो ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर, इन दोनों नंबर के सम को, सम मतलब इन दोनों नंबर के प्लस को माइनस करना है इस वाले नंबर से. तो पहले इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, कैसे इसकी क्वेश्चन बनेगी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस वाले नंबर में से मतलब 5,23,400 में से माइनस करना है किसको, 88,756 प्लस 10,345. तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है इसको प्लस करते हैं रफली, तो यहाँ पे लिखते हैं 88,000
756 और फिर लिखते नीचे यहाँ पर 543 फिर कोमा 01। पहले इनको प्लस करते हैं, 6 + 5 = 11 कैरी 1 नेक्स्ट प्लेस पर, 1 + 5 = 6, 6 + 4 = 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 + 7 = 8, 8 + 3 = 11, 11 का 1 कैरी 1, 1 + 8 = 9, 8 + 1 = 9। तो इस तरह से हमने प्लस कर दिया। अब ये जो हमने प्लस करके जो लिखा है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह पर, तो लिखेंगे यहाँ पर 5,23,400 - ये जो नंबर है इसे लिखेंगे 99,101। अब हम क्या करेंगे, 5,23,400 में से 99,101 को माइनस करेंगे, तो इसको भी रफली माइनस करते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे माइनस 5,23,400, इसमें से माइनस करेंगे 101,99 मीन्स 99,101 को माइनस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 01 से छोटा है तो हमें कैरी लेना पड़ेगा, नेक्स्ट नंबर भी 0 है, अब इससे जो आगे वाला जो नंबर है वो 4 है, तो हम 4 से जब कैरी लेंगे तो 4 की जगह तो 3 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 10, फिर दोबारा से कैरी लेते हैं तो यहाँ पे 9 बचेगा और ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 9, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9 आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 फिर कोमा। अब देखिए अब जो 3 है वो 9 से छोटा है तो फिर से कैरी लेना पड़ेगा, अब 3 के आगे कौन सा नंबर है 2, तो हम 2 से कैरी लेते हैं तो 2 की जगह तो 1 बचेगा और 3 की जगह 13 हो जाएगा, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4। अब देखिए यहाँ पे 1 है और 1 क्या है 9 से छोटा है तो हम यहाँ से कैरी लेंगे आगे वाले नंबर से, तो यहाँ पे 5 की जगह क्या बचेगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 और यहाँ पर 4 और यहाँ पे लगाएंगे कोमा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4,24,299। तो यहाँ पे लिखते हैं 4,24,299। तो बच्चों इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, अब आपको घर पे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।